हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लखनऊ शहर के गोमती नगर इलाके में लेकर के आए हैं, जहां पर लगा हुआ है अवध महोत्सव, वाजिद अली शाह अवध महोत्सव। तो आइए आप लोगों को वाजिद अली शाह महोत्सव के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कितना अच्छा महोत्सव लगा हुआ है। यहाँ पर आर्टिस्ट खड़े हुए हैं, जिन लोगों ने अभी परफॉर्म किया है, नृत्य किया है, डांस किया है, वो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनका इंटरव्यू यहाँ पर चल रहा है। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत रास्ता दिखेगा। ये सामने से आप लोगों को आर्टिस्ट आते हुए दिख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी डांस किया था उन लोगों का कार्यक्रम खत्म हो चुका है, इसलिए ये लोग जा रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, आप लोगों को दिखेगा जो सजावट हुई है वो काफ़ी अलग किस्म की हुई है। छतरी के जरिए यहाँ पर सजावट की गई है, जो कि काफ़ी नायाब है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये रास्ता है, यहाँ पर जो भी लोग आए थे उन सब की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। आप जैसे ही इन सब चीज़ों से आगे बढ़ेंगे, आपको एक बड़ा सा मैदान दिखेगा। उसी मैदान के अंदर लगा हुआ है अवध महोत्सव। सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि एक साड़ी की दुकान है। इस साड़ी की दुकान पर आप देखिए, बहुत ही अलग अलग किस्म की साड़ियां हैं, जो कि दूर दूर से आई हुई हैं। बहुत दूर से ये लोग यहां पर साड़ियों की शॉप लेकर आए हुए हैं। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को रेडीमेड कुर्ती की दुकान दिखेगी, जो कि काफ़ी नायाब, काफ़ी खूबसूरत है। आप और देखिए आगे, आपको एक से बढ़कर एक रेडीमेड की कपड़ों की जो फिगर देख रहे हैं, एक चेहरा देख रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा ये मिट्टी का बना हुआ है। दरअसल ये मिट्टी का नहीं बना हुआ है, ये रत्ती का बना हुआ है, जो न्यूज़पेपर होता है उस न्यूज़पेपर का इन लोगों ने बनाया हुआ है। ये अभी अधूरा है, मैं आप लोगों को दिखाऊँ। इसके साइड में जो रखे हुए हैं, ये पूरी तरीके से तैयार रखे हुए हैं। आप इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि ये न्यूज़पेपर का बनाया। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पर सूफी डांस हो रहा है। तो आइए थोड़ी देर हम लोग सूफी डांस का मज़ा भी लेंगे। ये देखिए कितनी पब्लिक यहाँ पर है, जो कि सूफी डांस का मज़ा ले रही है। आप लोगों को हम और दिखाते हैं, यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पर गणेश जी की दुकानें लगी हुई हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब गणेश जी की मूर्तियाँ यहाँ पर बिक रही। उसके बाद यहाँ पर त्रिफला की दुकान है, त्रिफला एक दवा होती है, उस दवाओं की यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, अलग अलग किस्म की दवाएं हैं। ये देखिए यहाँ पर कारपेट बिक रहे हैं, कालीन बिक रहे हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छे दामों पर हैं। फिर से एक रेडीमेड की दुकान है, जहाँ पर कुर्तियाँ मिल रही हैं, शलवार और कमीज़ मिल रही हैं। ये भी आप देखिए काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी नायाब आप लोगों को लग रही होंगी। चूड़ियों की दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, आप तरह तरह की चूड़ियाँ भी देख सकते हैं। बैग की, हैंड बैग की भी दुकानें हैं, आप देखिए कितने खूबसूरत किस्म के यहाँ पर हैंड बैग आप लोगों को मिल रहे हैं। सेल्फी पॉइंट इन लोगों ने बना रखा है, जो कि काफी खूबसूरत है। हमारे दिलों में ऐसा घर की ये
छोला समोसा यहाँ पर 20 रुपए का मिल रहा है। ये बिरयानी यहाँ पर है, कहते हैं कि ये कटहल की बिरयानी यहाँ पर है। तंदूरी चाय के अगर आप लोग शौकीन हैं तो तंदूरी चाय का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। चाट की काफ़ी बड़ी सी दुकान है, अगर आप यहाँ पर आएँ तो चाट का भी मज़ा ले सकते हैं। अमेरिकन भुट्टा भी यहाँ पर लगा हुआ है, भुट्टा यहाँ पर बहुत ही अच्छे रेट पर मिल रहा है। ये भेलपूरी बना रहे हैं, बड़े नायाब और ख़ास तरीके से भेलपूरी बना रहे हैं भाई साहब यहाँ पर। ये मंच लगा हुआ है, इस मंच पे बहुत तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी मंच पे हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि सूफी डांस हो रहा है। आइए अब आप लोग थोड़ी देर सूफी डांस का मजा लीजिए। मैंने आप लोगों को दिखाया है वाजिद अली शाह अवध महोत्सव। अवध महोत्सव जिस तरीके का लगा हुआ है वो मैंने दिखाया है। अवध महोत्सव लखनऊ शहर के नगर एरिया में लगा हुआ है। आप जब संगीत नाटक अकादमी आएंगे उसी के मैदान में ये लगा हुआ है। मैंने पूरा अवध महोत्सव आप लोगों को घुमाया है और यहाँ पर दास्तान हो रही थी वो भी मैंने दिखाया। यहाँ पर नृत्य हो रहा था वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। तकरीबन सारी रिकॉर्ड कर लिया हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारी चीजें आप लोगों को दिखा दी है। अब अपने दोस्त को दीजिए इजाजत, फिर किसी ब्लॉग की मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।